दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कीबोर्ड 91 अपडेट हो गया है, और अपडेट होने के बाद दोस्तों दो फीचर उसमें आ गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दो फीचर क्या नया आया है। और दोस्तों उसी में मैंने बोला था कि भैया आप अगर जानना चाहते हैं डिटेल में एक फीचर के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उसके बारे में जानना चाहे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया है कि तो प्लीज बताइए, तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूं कि जो नया फीचर आया है उसको डिटेल्स आपको बताने वाला हूं कि ये क्या है। और दोस्तों इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू कर रहा हूं इस वीडियो को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी ट्यूटोरियल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कीबोर्ड 91 से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और यहां पे इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो चलिए दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो प्रॉब्लम है जो कीबोर्ड 91 में आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपको प्रॉब्लम आता है कीबोर्ड 91 में, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम जैसे कि एड्स का नहीं आना, या एड्स आता है तो दोस्तों रिपीट जो होता है उसमें टाइम होना, दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आते रहते हैं। तो आपको लगता है कि मैं यार किससे अपना प्रॉब्लम बताऊं? तो दोस्तों आप अपने अपलायंट को प्रॉब्लम बताते हैं तो आपके अपलायंट जो होते हैं उनको भी समझ नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो आपको समझ नहीं आता ये किसको बताएं क्या करें। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करते हैं और मैं वही काम करता हूं जो आपको मैं बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, और वही काम आपको करना पड़ेगा दोस्तों। डायरेक्ट आप वही काम कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास दोस्तों मैं कितना लोगों को कंप्लेंट सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन आते हैं तो एक एक करके सभी लोगों को तो मैं कर नहीं सकता हूं। तो मैं उपाय बता देता हूं आपको, और कंपनी ने वो फीचर ला दिया है और आप जान पाएंगे कि चलो ये हम करेंगे तो मेरा कंप्लेन सुना जाएगा, समझा जाएगा, और उस कंप्लेन को दोस्तों आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो कैसे करना है क्या करना है इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग मोन 91 यूजर हैं पुराने, जो कि मोन 91 बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, तो वो लोग जानते होंगे इसके बारे में कि जो मोन 91 में प्रॉब्लम को बताने के लिए क्या करना पड़ता है। लेकिन जो लोग नए हैं कीबोर्ड 91 जो सिर्फ ज्वाइन किए हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है कि भैया हम किससे अपना प्रॉब्लम बताएं, तो चलिए मैं वो बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों अपने मोबाइल में आपको लेके चलूंगा और वहां पे आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको यहां पे क्या करना होता है, ठीक है। तो आप तैयार हैं मेरे मोबाइल में चलने के लिए? तैयार है ना? तो चलिए मेरे मोबाइल में। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का स्क्रीन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। आपको करना क्या है सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सारा चीज समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना यह है कि सिंपली आपको कीबोर्ड 91 ओपन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड 91 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कीबोर्ड 91 का ऐप, ठीक है, ये वाला। तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसे मैंने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि जैसे ये खुलेगा ओपन होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देख लीजिए ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने कल का वीडियो ही बताया था, ठीक है, इस आइकन पे दोस्तों क्लिक करना है, ठीक है। तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ ऐड भी चल रहा है। तो ये ऐड होता क्या है कि ऐड किसी किसी के मोबाइल में नहीं चलता है, ठीक है, किसी किसी के मोबाइल में चलता है दोस्तों, तो बहुत देर के बाद ऐड आता है, ठीक है। किन्हीं किन्हीं के मोबाइल में दोस्तों दिन में आता है, रात में नहीं आता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। तो भैया ये प्रॉब्लम कहाँ आप बताओगे, किसको सुनाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये इसके लिए ये जो है ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे क्या है कि आपको अपना कंप्लेन देना है दोस्तों। यहाँ पे आप फोन भी कर सकते हैं, जैसे क्रिएट पे, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये नंबर दोस्तों देखिए सबसे नीचे आइए और नंबर देखिए, ये नंबर मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है यार कि बहुत बिजी होते हैं लोग, कस्टमर केयर जो है कीबोर्ड 91 के मोन 91 के बहुत बिजी होते हैं, चूंकि कस्टमर बहुत लोग हैं, मतलब यहाँ पे यूजर बहुत सारे हैं और सभी लोग को प्रॉब्लम आता है, कॉल करते रहते हैं, सुनने वाला तो दोस्तों बहुत सीमित लोग हैं और कहने वाले अपना समस्या बताने वाले बहुत लोग हैं, तो इसलिए आपका कॉल लगता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों चिंता नहीं करना है, उसका जो है सोल्यूशन यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब करना यही है कि चलिए मैं बैक हो जाता हूँ ताकि अच्छा से आपको दिखा सकूँ। दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा ये खुलेगा, ठीक है, ये तो समझिए कहाँ से ओपन हुआ है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि जो क्रिएट है इस क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। इस क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे, अपना कंप्लेन दर्ज करेंगे, ठीक है। फोन नहीं लगेगा, तब फोन लगेगा तो डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ, प्लीज सेलेक्ट टाइप, दोस्तों किस प्रकार का आपको मदद चाहिए, ठीक है, इसको लिए टाइप कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्यूरी है, कंप्लेन है, रिक्वेस्ट है, दोस्तों तीन चीज यहाँ पे बता रहा है। कंप्लेन का मतलब क्या होता है कि आपको शिकायत है कंपनी से कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप सजेशन देना चाह रहे हैं कंपनी को कि ऐसा लाइए, ऐसा फीचर लाइए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम सिखा रहे हैं आपको कंप्लेन करना, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कंप्लेन लिखा हुआ है इसमें हम कंप्लेन करेंगे, क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, सब कैटेगरी में देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट डू नॉट
हेल्प विथ अस, मतलब ये कंप्लेन में आपको क्या कौन सा कैटेगरी चूज करना है इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकल 91 कंप्लेन, सेलर पैनल, केवाईसी रिलेटेड, अदर रिलेटेड कंप्लेन, C91 जो कि दोस्तों कुरियर 91, COD सेटलमेंट, रिफंड रिलेटेड, विदड्रॉल रिलेटेड कंप्लेन, कमीशन रिलेटेड, अर्निंग विथ एंड नेटवर्क रिलेटेड कंप्लेन, बिल्स रिलेटेड कंप्लेन। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्लेन क्या मतलब जो आपको प्रॉब्लम आना जाहिर सी बात है वही आप कंप्लेन करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ कि सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अर्निंग एंड नेटवर्क रिलेटेड कंप्लेन, दोस्तों इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम आता है ना कि लोग ज्वाइन करवा लेते हैं मगर आपको नेटवर्क में शो नहीं होता है, अर्निंग हुआ दोस्तों वो निकल नहीं रहा है, विड्रॉल नहीं हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अर्निंग एंड नेटवर्क पे क्लिक करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें हमें नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा अभी कीबोर्ड 91 में। जैसे विड्रॉल रिलेटेड कंप्लेन दोस्तों ये जो है मोस्टली लोगों पे कंप्लेन आता है कि भैया मेरा जो विड्रॉल नहीं निकल रहा, चलिए इसी को मैं क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं और भी कोई कंप्लेन के बारे में चाहते हैं कि सर प्लीज़ वीडियो बनाइए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं वीडियो उस पर ही बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में बता रहा हूँ कि कंप्लेन आप कैसे करेंगे, किसके बारे में, विड्रॉल के बारे में, जो आप पैसे निकालने के लिए विड्रॉल लगाते हैं पैसे आपको नहीं मिलते हैं उसका आप यहाँ पर मैं कंप्लेन दे रहा हूँ। अब दोस्तों रही बात एड्स की तो नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा कि एड्स के बारे में कैसे आप करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल मैं बता रहा हूँ विड्रॉल के बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों सभी के बारे में बताना शुरू करिए तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए दोस्तों एक एक करके बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग हमारे बातों को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ यस लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ विड्रॉल कंप्लेन रिलेटेड कंप्लेन में मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए यहाँ पे सब सेलेक्ट सब कैटेगरी आ गया। अब यहाँ पे क्या है ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे भी क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या क्लिक करना है, विड्रॉल नॉट रिसीव्ड, विड्रॉल पेंडिंग, अनेबल टू रिक्वेस्ट विड्रॉल। दोस्तों ये जो विड्रॉल में जो आपको कंप्लेन होता है, प्रॉब्लम होता है, किस तरह का होता है, मतलब जो कोई विड्रॉल लगा रहा है वो रिसीव नहीं हो रहा है, होता है ना किन्नी किन्नी का सर कि विड्रॉल में लगा रहा हूँ सर वो विड्रॉल ले ही नहीं रहा है, मतलब रिसीव कर ही नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। विड्रॉल पेंडिंग दोस्तों, विड्रॉल पेंडिंग ये सबसे मोस्टली ये आप लोग का कंप्लेन रहता है कि सर पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब 15 सितंबर तक डेट था, 19 दिसंबर तक डेट था लेकिन अभी तक जो है दोस्तों हमको ये नहीं मिला है, पेंडिंग है, मतलब पैसा अभी तक नहीं मिला है, पेंडिंग है। तो चलिए मैं इसी को टाइप कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसी को टाइप कर लेता हूँ, विड्रॉल पेंडिंग को ही टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मोस्टली लोगों का यही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो मैं पेंडिंग पर क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, टाइप सब्जेक्ट हेयर, दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखना है आपको, लिखना क्या है यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, जिसे लिख दीजिए दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही लिख दीजिए, विड्रॉवल रिलेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे ऐड डिटेल लिखना है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आई हैड विड्रॉवल एन अमाउंट ऑफ, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है विड्रॉल एन अमाउंट ऑफ, चलिए मैंने विड्रॉल लगाया दोस्तों 265 रुपये का, ठीक है, तो मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है। और ये मैंने लगाया था दोस्तों 25 अगस्त को ही लगाया था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेट दे देता हूँ, ऑन डेट 25 अगस्त, ठीक है दोस्तों। और देन अनटिल, यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि स्टेटस क्या था, मतलब आपने 25 तारीख को विड्रॉल लगाया और रिसीविंग का जो स्टेटस था, मतलब अमाउंट रिसीव होने का जो समय था, जो समय सीमा था, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम टू, यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों स्टेटस ऑफ रिसीव, यहाँ पे लिख सकते हैं रिसीव, दोस्तों यहाँ पे आप लोग टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, रिसीव अमाउंट ऑन, मेरा दोस्तों था 8 सितंबर को, ठीक है, 8 सितंबर, बट अनटिल मतलब अभी तक, Until money has, यहाँ पे दोस्तों has not received,
और दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर इंग्लिश सही से नहीं लिखा पा रहे हैं तो आप गूगल में जाइएगा दोस्तों, गूगल में जाकर ट्रांसलेट पे सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, उसका जो है ट्रांसलेट करके आपका इंग्लिश दे देगा। दोस्तों अगर आप इसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि कैसे गूगल में ट्रांसलेट किया जाता है, आप हिंदी लिखिएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आकर, अगर नहीं आता है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसका है शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोस्तों उससे होता क्या है कि जो अंग्रेजी आप लिखते हैं यहाँ पे सही नहीं लिखा पाता है, तो आप वो काम कर सकते हैं। हालांकि मैंने जो यहाँ टाइप किया हो सकता है इसमें भी थोड़ा फॉल्ट हो, लेकिन समझ में आ रहा है मोटा मोटी कि चलो भैया एक प्रॉब्लम है कि मैंने लगाया था विड्रॉल अभी तक नहीं मिला है, डेट जो है फलाने फलाने डेट को किया था जो अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों ये डेट थोड़ा डिटेल आपको डालना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है कि अपलोड प्रूफ, दोस्तों प्रूफ के तौर पे आप क्या दे सकते हैं, जाहिर सी बात है आपका जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, उसके बाद आपको लेके चलता हूँ कीबोर्ड 91 में। दोस्तों मैं यहाँ से डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे आपको करना क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मोल 91 में ले जा रहा हूँ, तो भैया जो मैं दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मोल 91 में इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि कीबोर्ड 91 में वहाँ पे अभी फाइनल थोड़ा कर रखा हूँ, इसलिए मैं उसको हटाऊंगा तो बैक हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लेके बोनस वॉलेट में लेके आ रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग को कीबोर्ड 91 सिर्फ इंस्टॉल है तो वो जाएंगे बोनस वॉलेट में, जैसे कि मैं यहाँ से बोनस वॉलेट में जा रहा हूँ। दोस्तों बोनस वॉलेट में जाने के बाद देखिए दोस्तों ये आ गया, तो कीबोर्ड 91 में आप जाइएगा, बोनस वॉलेट में जाइएगा, वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं नीचे आता हूँ, 25 अगस्त दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी लोगों को, 25 अगस्त को मैंने विड्रॉल लगाया था। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन प्लीज़ समझिएगा पूरा। दोस्तों यहाँ पे 250 का, सॉरी मैंने 250 का लगाया था, मुझे याद भी नहीं था। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसका एक स्क्रीन शॉट लेना है, स्टेटस पर जाना है और दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट लेना है, योर पेमेंट विल गेट प्रोसेस 8 सितंबर, यहाँ पर दोस्तों दो स्क्रीन शॉट लेना है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर इसको बैक करते हैं, दोस्तों एक स्क्रीनशॉट इसका लेना है जैसा कि मैंने अभी एक ले लिया स्क्रीनशॉट, और दोस्तों दूसरा लेना है स्टेटस में जाइएगा और यहाँ भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों दो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है और यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसमें एडिट कर लेना है, यहाँ पे आ जाना है दोस्तों, इसको थोड़ा सा एडिट करना है, थोड़ा कट कर लेना है इसको, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो आपका अमाउंट है सिर्फ उसी को हम लोग लेंगे, ज़्यादा नहीं, ये देखिए, ठीक है, इसको सेव कर लेना है। दोस्तों ये हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ ये वहला हो गया, ठीक है, आपका जो जिस दिन का पेमेंट होने वाला था प्रोसेस। अब दोस्तों यहाँ पे अब इमेज आपका आ गया, अब यहाँ पे चलिए मैं कीबोर्ड 91 में गया। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि ये अपलोड प्रूफ लिख रहा है, तो यहाँ पे मैं दोस्तों ये देखिए ये जो कैमरा जैसा आपको दिखाई दे रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपके मीडिया फाइल में चला जाएगा, क्लिक नहीं हो रहा, क्रिएट टिकट पे क्लिक करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए योर टिकट हैज बीन क्रिएटेड, प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा जो टिकट वो क्लिक हो गया, यानी कि बिना अपलोड बिना प्रूफ अपलोड किए यहाँ पे हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने ऐड डिटेल में डाल दिया था दोस्तों यहाँ पे कि भैया मेरा अभी तक अमाउंट नहीं मिला है, तो ऑटोमेटिक ये क्रिएट कर लिया है। अब दोस्तों कुछ देर के बाद जैसे यहाँ पे आप कीजिएगा रिफ्रेश कीजिएगा, देखिए दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरा आ गया है, अब इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, प्रॉब्लम देख सकते हैं कि आई हैड विथड्रॉल एन अमाउंट 265 ऑन डेट। अब दोस्तों यहाँ पे 25 अगस्त स्टेटस ऑफ रिसीव अमाउंट 8 सितंबर, हालांकि दोस्तों मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया था 250 रुपया, लेकिन मैंने 265 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, रिप्लाई क्या आता है, लेकिन आप लोग जो आपका अमाउंट है वही लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है कि यू विल गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम सपोर्ट टीम विथ 24 आवर्स, यानी दोस्तों 24 घंटा में आपका जो सपोर्टिंग टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। अब दोस्तों ये देखिए मेरा स्टेटस ओपन हो गया, ये मेरा हो गया अपलोड, यहाँ पे अपलोड फाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अपलोड तो हो नहीं रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है दोस्तों, अब अपलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। फिर भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे चला गया है, ये जो मेरा है कंप्लेन ऑलरेडी वहाँ पे चला गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, इनको टाइप कर सकते हैं यहाँ पे हेलो, यहाँ पे हेलो करके, मतलब यहाँ से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं इनके साथ, जो आपका सपोर्टिंग टीम है इनके साथ आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बता दिया कैसे टिकट यहाँ पे क्रिएट करना होता है। दोस्तों ये जो आपका टिकट आईडी है ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये टिकट आईडी आपका है 122545। दोस्तों ये टिकट आईडी से एक फायदा और होता है कि जब आप कॉल कीजिएगा तो वहाँ पर आपको पूरा प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है, बस उनको आप ये बताइएगा कि भैया मेरा टिकट नंबर ये है, प्लीज सोल्यूशन बताइए कब तक मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा ये मुझे बता दीजिए, तो ज़्यादा डिटेल बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो टिकट क्रिएट करने से ये आपको फायदा होता है, तो टिकट क्रिएट आप लोग जरूर कीजिएगा। और दोस्तों रही बात कि और जो प्रॉब्लम है
कीबोर्ड 91 में, उसका कैसे टिकट क्रिएट किया जाए, तो प्लीज आज कमेंट कीजिएगा। मैंने सिर्फ आज बताया है विथड्रॉल जो अमाउंट पेंडिंग पड़ता है रहता है, जो आपको नहीं मिलता है पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है, उसका मैंने यहाँ पे कंप्लेन करके दिखाया, टिकट क्रिएट करके दिखाया। अगर अदर कंप्लेन के बारे में चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। यानी वन बाय वन करके जितना भी यहाँ पे रिक्वेस्ट है या फिर कंप्लेन है सारा चीज, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जितना भी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए क्यूरी है, कंप्लेन है, रिक्वेस्ट है, जो भी ऑप्शन इसमें आता है दोस्तों, सारा चीज मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन करके दिखा दूंगा, बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि मेरा तो मकसद ही यार आप लोग को प्रॉब्लम जो जितना भी समस्या है सबको निदान करवा दूँ, सॉल्व करवा दूँ, इस चैनल का ये मकसद है भैया। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे टिकट क्रिएट किया जाता है, अब आप सभी लोग टिकट क्रिएट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, उन लोगों तक भेजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रहा है कीबोर्ड 91 में, तो उनको ये जानकारी जरूरी हो जाना चाहिए कि यार ये कंप्लेन कहाँ पे मैं करूँ, किसको बताऊँ, किसको अपना जो है दुख दर्द सुनाऊँ ताकि मेरा दुख दर्द दूर हो जाए। दोस्तों ये इनको वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो जान पाएंगे, ठीक है, तो प्लीज शेयर करना इसको नहीं भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कीबोर्ड 91 के बारे में, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91।